दिनों के सियासी घमासान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा नीतीश का साथ, नए दल के गठन का प्रस्ताव पास, कहा आज से नई राजनीतिक पारी। आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। नाम और निशान के बाद उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका, शिंदे गुट ने शिवसेना दफ्तर पर किया कब्जा, विधिमंडल के दफ्तर पहुंचे शिवसेना नेता। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी, मामले में फौरन सुनवाई से कोर्ट का इनकार। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा, समाजवादी पार्टी के विधायकों की नारेबाजी, सदन के बाहर भी प्रदर्शन। 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर उडुपी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रैली को किया संबोधित, उडुपी के कृष्णा मंदिर में किया दर्शन। पटना पार्किंग विवाद मामले में आरोपी के घर आज पर आगजनी, कल हुई गोलीबारी में हुई थी 2 लोगों की मौत, इलाके में तनाव। अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ में 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी, निशाने पर कई सरकारी अधिकारियों के साथ ही कांग्रेस के नेता भी शामिल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस और एफआईए ने गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम, पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर हैं, इस दौरान उडुपी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि देश में बीजेपी ही सिर्फ विचारधारा आधारित पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही नई पार्टी के गठन का भी ऐलान कर दिया है। कुशवाहा की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर हमले भी किए। कुशवाहा ने कहा कि जनता दल के सारे नेता कुछ अपवादों को छोड़कर सबने अपनी चिंता जाहिर की थी, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की अपील पर कल सुनवाई हो सकती है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं से पहले कल शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कोर्ट से अपील की, उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। उद्धव गुट को शिंदे गुट से एक और झटका मिला है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के बाद शिवसेना के पार्टी ऑफिस पर भी शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है। शिंदे गुट को विधिमंडल कार्यालय मिल चुका है। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद शिंदे गुट के नेता पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी ने कार्यालय में सभी विधायकों की बैठक बुलाई।